अरे अमित, अच्छा ये बताओ, आज तुम कौन कौन से क्वेश्चन पूछना चाहते हो? डॉक्टर, आज मैं आपसे वेजाइना शोथ के बारे में जानना चाहता हूँ। ये क्या है और इसकी जरूरत कब पड़ती है? अमित, योनि के अंदर किन्हीं कारणों से शोथ पैदा हो जाने को योनि शोथ कहते हैं, और ये 5 से 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि भग योनि शोथ और ट्राइकोमोनस योनि शोथ, गोनो गोकल योनि शोथ, यक्ष मज योनि शोथ और जराजन्य योनि शोथ और भग योनि शोथ। इस प्रकार का रोग बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। जी बच्चों की योनि में अम्लता यानी कि एसिडिटी का अभाव रहता है, इसीलिए उनमें संक्रमण बड़ी जल्दी फैल जाता है। इस रोग में भग की कोमल श्लेष्मल कला भी प्रभावित होती है, इसीलिए इसको भग योनि शोथ कहना अच्छा समझा जाता है। जैसा कि मैं अमित तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि भग और योनि का बहुत ही निकट का संबंध है, इसलिए जो संक्रमण योनि को रोगग्रस्त करते हैं वो भग की श्लेष्मल कला को भी रोगग्रस्त बना देते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की योनि शोथ की व्यवस्था क्यों ना हो, साथ में भग शोथ थोड़ी बहुत मात्रा में जरूर मिलता है। ऐसा किस कारण होता है डॉक्टर? इस प्रकार के रोग को गोनोकोकस बीकोलाइट स्टेफलो कहते हैं। कोकस आदि जीवाणु पैदा करते हैं, ये जीवाणु योनि के अंदर पहुंचकर रोग को पैदा करते हैं, और इसके लक्षण है कि योनि से पुय युक्त स्राव निकलता रहता है, और कभी कभी इस स्राव में खून भी शामिल होता है, और भग में कंडू पीड़ा और दर्द रहने लगता है। स्त्री अगर ज्यादा उम्र की हो तो उसे चलने फिरने में तकलीफ होने लगती है, और अगर कम उम्र की लड़की हुई तो उसे बड़ी बेचैनी होती है, और वो दिन रात रोती चिल्लाती और बिलखती रहती है। वो बार बार अपना हाथ भग और योनि के ऊपर फेरती रहती है, जो कंडू का कारण बनती है। और कुछ समझदार लड़कियां अपनी योनि के अंदर जलन और चुभन की शिकायत करती हैं। भग योनि शोथ के साथ साथ अक्सर मूत्र मार्ग शोथ पाया जाता है। जो बालिकाएं बोल सकती हैं या जो समझदार हैं, वो मूत्र करते समय जलन चुभन या दर्द का होना बताती है, और जो बालिकाएं छोटी होती हैं वो मूत्र करते समय जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, जिसे मूत्र कंडू का लक्षण समझना चाहिए। और कुछ बालिकाओं में अक्सर बुखार की शिकायत रहने लगती है, और हाँ कुछ लक्षण अलग से भी मिलते हैं, जैसे कि योनि का परीक्षण करने से भगोष्ठ लाल और सूजे हुए मिलते हैं। योनि सूज जाती है और लाल हो जाती है, और उसमें से पुय युक्त स्राव निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, जी। और संक्रमण के कई लक्षण नजर आने लगते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, दिल घबराना, सर में दर्द होना आदि। ऐसे में रोगी के सारे लक्षण देखने और समझने के बाद रोगी का आसानी से उपचार किया जा सकता है। इस कारण भूत जीवाणुओं का ज्ञान भी मिल जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतनी अहम जानकारी दी। आते रहो अमित तुम पूछने के लिए, आता जानकारी रहूँगा, लेने के लिए। आखिर सीनियर्स काम कब आएंगे। बिल्कुल। थैंक यू।